जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारिओ, दो चीज़ां मनुखी जीवन नूं बड़ा प्रभावित करदियां ने। जदों असीं अपने जीवन दे अंदर इन्हां दो चीज़ां नूं समझ लैंदे हां कि इन्हां दो चीज़ां दी साडे जीवन दे अंदर इंपोर्टेंस की है, इन्हां दो चीज़ां दा साडे जीवन दे अंदर आण दा मंतव की है, ते असी फिर उस आसे अनुसार, उस मंतव दे अनुसार जिस करके ये चीज़ां साडे जीवन विच आईयां ने, जदों असी उस फलसफे नूं समझ लैंदे, उस विचार नूं समझ लैंदे, फिर असी इन्हां दो चीज़ां दे अंदर या इन्हां दोनां चीज़ां दे असर नूं कबूलदे ने। सतगुर की पावन बाणी दा बड़ा प्यारा बचन है, पातशाह जी कहिंदे ने, सुख को मांगे बहुत बहुत, दुख ना मांगे कोई। असल विच ये दो चीज़ां ने जिहड़ियां साडे जीवन नूं बहुता प्रभावित करदियां ने, एक सुख है ते दूजा दुख है। अक्सर जदों किसी इंसान दे जीवन दे विच सुख आंदा है, उस वेले मनुख अपने जीवन दे अंदर सब कुछ उस सुख नूं समझ बैठदा है, ते उस सुख दे विलासीनता दे अंदर गुलतान हो के उस सुख दे अंदर मनुख अपने असल मंतव नूं भुल के इन्ना कौन दे नाल जुड़ जांदा है कि इहनूं अपने जीवन दे अंदर उस सुख तो बाद उपजन वाली पीड़ा दा एहसास भी नहीं हुंदा। क्योंकि जदों असीं एक चीज़ नूं अपने जीवन विच तरजीह दे दिंदे हां, ते सुभाविक है जदों उहदे नाल दी दूजी चीज़ साडे जीवन विच आउंदी है, उहदा असर साडा मन फिर सही ढंग दे नाल कबूलदा नहीं, ते उहदा कारण इह हुंदा है कि जदों उह दूजी चीज़ साडे जीवन विच आउंदी है, ते उस वेले सानूं उहदी पीड़ा दे विचों निकलना जिवें निकलना हुंदा है, उस ढंग नाल असीं उहदे विचों निकल नहीं पाते, फिर उह चीज़ सानूं बहुत दुखदाई व्यापदी है। असल विच साध संगत, सुख ते दुख दा कंसैप्ट बड़ा प्यारा है। जदों असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन बाणी नूं समझदे हां, ते सतगुर पातशाह जी ने इन्हां दोनां चीज़ां नूं परमात्मा दी रज़ा विच रखिया है, जदों असीं रब दी रज़ा विच रह के सुख नूं फेस करने हां, जदों परमात्मा दी रज़ा विच रह के दुख नूं फेस करने हां, फिर सानूं समझ आ जांदी है कि सुख ते दुख ये असल विच दो तरह दीयां प्रवृत्तियां ने। इहनूं इंज कह लो भी दो तरह दी मैंटैलिटीज़ ने। हुण इन्हां दोनां दे अंदर असी इन्हां नूं हंडाणा किवें है, असी इन्हां दे विच अपना जीवन जिउणा किवें है। अक्सर असी वेखने हां संसार विच जदों किसी मनुख दे जीवन दे अंदर सुख आउंदा है, ते उहनूं संसार दे अंदर सुख वाली वस्तु जिंदे तो सुख मिले है वह वस्तु प्यारी हो जाती है, बाकी सब चीज़ां उहदे लई बाद वालियां हो जांदियां ने। उस अवस्था दे अंदर अक्सर हुंदा की है, मनुख उस चीज़ दे नाल बहुत डूंघाई दे नाल जुड़ जांदा है। इह गल समझ विच आवे, मैं एक छोटी जिही एग्जाम्पल तुहाडे सामने रख दिया। साध संगत, साडे समाज विच बहुत ऐसे परिवार ने, वैसे सतगुरु पातशाह जी हर परिवार दे अंदर बच्चियां रूपी खुशी नूं देवे, पर कई बार जदों किसी माँ बाप दे कोलों इह खुशी नहीं हुंदी, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਬਹੁਤੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰੱਬ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, जन्म मिलिया ते जन्म दे नाल सुख दे नाल ते जुड़ गए, पर उस जन्म तो बाद जिहड़ी मरण दी पीड़ा है, उस सुख तो बाद जिहड़ी दुख दी पीड़ा है, उस दुख दी पीड़ा तो वह अपने आप नूं बड़ी दूर लै जांदे ने। उहदा कारण इह हुंदा है वी जिस दिन वह दुख फिर जीवन दे विच वापरदा है, उस वेले बंदा अपनी शुद्ध बुद्ध भुल बैठदा है, वह फिर परमात्मा नूं ब्लेम करन लग पैंदा है, वह अपने रब नूं ब्लेम करन लग पैंदा, बनीए ते सब कीता होया रब दा ही है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का बड़ा प्यारा बचन है,
गुरु तेग बहादुर पातशाह जी बख्शिश करते ने। साहब कहते ने जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोए। पातशाह कहते ने जतन बड़े किते किस लई, सुख की प्राप्ति दे लई। पर सतगुर कहते ने दुख को कियो ना कोए, पर दुख लई कोई भी जतन नहीं किया। और सच है सात संगत असी कोई भी दुख लई यतन नहीं करते, आप जिन्ने सारिया के यतन सुख लेने। पर दुख पैदा कितों होया? दुख पैदा कोई बाहरों नहीं होया, ये कोई बाहर वाली वस्तु नहीं जिहड़ी सानू किसी ने बाहरों अल्टीमेटम दे दिता भी बाहरों वो अल्टीमेटली बाहरों मिल गई। नहीं, ये असल विच साडे अंदरों ही पैदा हुई है। सुख भी अंदरों पैदा होया ते दुख भी अंदरों पैदा होया। पर जे दोवें चीज़ां परमात्मा की रजा विच समझ आ जान भी ये दो चीज़ां असल विच है कि नहीं, फिर सतगुरु पातशाह जी कहिंदे ने सुख दुख दोए दर कपड़े पहरै जाए मनुख, फिर बंदे नूं इस गल की समझ आ जाती है। सो मेरे कहण दा भाव सिर्फ इन्ना है प्यारिओ कि जे जीवन दे विच सुख है ते उहनूं परमात्मा की रजा विच रह के मानण दा यतन करिए। ऐसा ना होवे कि सुख नाल इन्ना डूंघा जुड़ जाइए कि जदों दुख आवे उदों दुख की पीड़ा साडे कोलों सहनी ना होवे। ते जे जीवन दे विच दुख आया है इन्हू परमात्मा की रजा विच वेखिए, किते ऐसा ना होवे दुख की पीड़ा विच इन्नी कु नमोशी विच चले जाइए कि जीवन जीवन का ढंग तरीका ते सलीका ही ना भुल जाए। इसे करके सतगुरु जी पावन बाणी विच बड़े प्यारे बचन बख्शते ने। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कहते ने जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख पी तुझे त्याई, जे भुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। सतगुरु जे सुख देंगा तेरे भाने विच रवांगा, जे दुख देंगा सतगुरु जी तां वी तेरी रजा विच रवांगा। क्योंकि असल विच ये दोनों चीज़ां बंदे दी मैंटैलिटी विचों पैदा होईयां ने। जिन्हां नूं समझ लवांगे फिर पता लगेगा भी नहीं दाता ये तेरियां दित्तियां होईयां दाता ने, कितियां दुख भूख सदमार यह पेदात तेरी दातार। सतगुरु कृपा करन गुरबाणी दे फलसफे विचों सानू एक गल समझन दी दात अपने चरणा विचों बख्श देन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।